हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। कैसे हैं आप सब? सो गाइस आज का वीडियो होने वाला है एक रिव्यू वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मेरा फेवरेट प्राइमर का रिव्यू आपके साथ शेयर, जो कि है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर, जो आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, पोज को मॉडिफाई करता है एंड स्किन को ऑफकोर्स मॉइस्चराइज भी करता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट भी जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर करें सो दैट कि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ऑलराइट गाइज, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। सो गाइज अगर बात करें पैकेजिंग की तो ये कैसे गोल्डन टाइप के बॉक्स में आता है जिसके ऊपर इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, इसका एक्सपायरी डेट लिखा है, इसका नेट वेट लिखा है, एमआरपी लिखा है एंड समथिंग उसका यूसेज। मेरा जो शेड है वो है 01 नेचुरल टेंट। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इस तरह के ये 30 ml की बॉटल में आता है एंड इसका प्राइस है ₹399 एंड अमेजोन से अगर आप इसे बाई करें या कहीं से भी बाई करें तो आपको आराम से ये 250 तक का मिल जाएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा ₹299 का आपको ये मिल जाएगा। सो गाइज इस प्राइमर में थोड़े से ना गोल्ड के शिमर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं जो एक सिर्फ एक इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को। तो अगर आप कोई डेली यूज़ में से यूज़ कर सकते हैं, अपने मॉइस्चराइज़र के साथ, अपने फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं, इसे अपने मॉइस्चराइज़र में अप्लाई कर सकते हैं मिक्स करके, या फिर अपने पॉन्ड्स या गार्नियर की जो भी आप सीसी क्रीम बीबी क्रीम्स अप्लाई करते हैं उसमें थोड़ा सा लेके आप इसको आपको मिक्स करके आप लगाएंगे तो एक इल्यूमिनेटिंग नेचुरल टेंट ऑलरेडी आता है। इस प्राइमर में ना एक नेचुरली शाइन है, ये एक ब्लर प्राइमर नहीं है, इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है क्योंकि इसका टेक्सचर क्रीमी है। ये आपकी स्किन को एक हाइड्रेशन तो देता ही देता है एज वेल एज इसमें जो छोटे से पार्टिकल्स हैं, छोटे से जो ग्रेन्यूल्स हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं जो आपको चुभते नहीं है, ऑफकोर्स आपको फील भी नहीं होंगे बट आपको वो टेक्सचर में जस्ट दिखेगा। तो इससे मेकअप आपका ना डूई लगेगा। जब अगर आपको थोड़ा सा डूई मेकअप करना, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अगर आपको डूई मेकअप थोड़ा सा करना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्राइमर है। ऑफ कोर्स ये एक डूई लुक देता है आपकी स्किन को एंड ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही लाइट वेट है, तो इसको मैं अगर आपको अपने थोड़ा सा मैं आपको इसका स्वॉच करके दिखाऊं, जबकि मैं आपको इसका रिव्यू भी करके दिखाऊंगी, तो हल्का सा अगर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ अपने फ्रेंड्स पे तो आप देख सकते हो बहुत ईजीली ये ब्लेंड भी हो गया है एंड इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा क्रीमी है एंड इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। जो बहुत ही शाइनी पार्टिकल्स हैं जो आपको नहीं फील ही नहीं होंगे, बहुत ही हल्के हल्के पार्टिकल्स हैं, तो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो तो आपको हल्का सा डिफरेंस लगेगा एंड थोड़ा सा ऑयली हो जाता है। अगर आप इसको सेट ना करो किसी भी कॉम्पैक्ट से या किसी भी लूज पाउडर से, अगर आप इसको सेट ना करो ये थोड़ा सा ऑयली हो जाता है। लेकिन अगर आपकी टोटली ऑयली स्किन है तो मैं कहूँगी कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में इसको अप्लाई करना है। अदरवाइज फॉर ड्राई स्किन ये एक ऑयल फ्री प्राइमर है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फेस पे लगाया। मैं इसको प्राइमर की जगह पे तो ऑफकोर्स अपने प्राइमिंग एरियाज की जगह पे इसे अप्लाई करती हूँ, अपने टी जोन एरिया पे इसे अप्लाई करती हूँ, साथ ही साथ मैं इसको अपने पूरे फेस पे भी अच्छे से अप्लाई करती हूँ। आप देख सकते हो ये कितना बहुत ज़्यादा शाइनी है, बहुत ही नेचुरली शाइन कर रहा है। जिस तरह से स्किन ग्लो करती है वैसे ही इसका ग्लो करता है, बिल्कुल ग्रीसी नहीं लग रहा है बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत ही कम अमाउंट में इसे लिया है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये अब्जॉर्ब होने वाली कंसिस्टेंसी नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आप इसको जितनी देर तक मसाज करेंगे आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगा। गाइज ऐसा नहीं है। अप्लाई करना है अपने टी जोन एरिया पे जहाँ पे भी आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो उसको जस्ट अप्लाई करना है। सिर्फ बेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको जस्ट अप्लाई करें एंड कंसीलर से अपने जो भी डार्क एरियाज हैं उसको कवर करें एंड दैट्स इट गाइज। आपका मेकअप बहुत ही डूई एंड क्रेजी लगने वाला। आई मस्ट से यूज़ इट वंस। और अपने जो भी हाईलाइटिंग एरियाज है ना आप उसको वहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट करके भी लगा सकते हैं टू मेक योर फेस मोर ग्लॉसी। सो गाइज ये था मेरा रिव्यू अबाउट स्विस ब्यूटी हाईलाइटिंग प्राइमर। दिस इज रियली अ ग्रेट प्राइमर आई मस्ट से। अगर आप ऐसा कोई प्राइमर ढूंढ रहे हैं जो मैट ना हो, बिकॉज हम मैट चीज़ें ऑलरेडी इतनी लगा लेते हैं ना कि वो डूई चीज़ ख़त्म ही हो जाती है। जो डूई बेस होता है ना, हम जो जितने भी लोशंस लगाते हैं या जितने भी हम ऑयल्स लगाते हैं, फेस ऑयल्स लगाते हैं, तो उससे हमारा फेस ना ऑलरेडी डूई नहीं लगता है। तो अगर आपको और डूई दिखाना है अपने फेस को, अपने बेस को, तो आप ये वाला प्राइमर जरूर अप्लाई करें। एंड सो दिस इज अ गुड प्राइमर फॉर योर डेली रूटीन। सो गाइज लेट मी नो एनी क्वेरीज, होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।